ऋषि सर बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं। अच्छा, पढ़ाते भी अच्छा? पढ़ाते भी अच्छा, मोटिवेशन भी बहुत अच्छा देते हैं। अच्छा सर, के यहाँ जो टेस्ट पेपर होता है उस किस लेवल का होता है? टेस्ट जो सर पढ़ाए हैं वो तो वो रहता है बिल्कुल, और उससे आउट ऑफ सिलेबस कुछ रहेगा नहीं। और जो अच्छा। सवाल रहेगा अगर आप क्लास में ध्यान दीजिएगा अच्छा, तो आप सवाल को अटेम्प्ट कर पाइएगा अच्छे से। क्या नाम हुआ? ऋषभ सिंह। यहाँ पे कब से पढ़ रहे हो? स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ? अच्छा हो रहा है। किस क्लास में हो अभी? 12th में। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा है, तभी तो है यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, तभी तो यहाँ पे है। जाते हैं पूरा क्लियर करते अच्छा। हैं और क्वेश्चन सेटिस्फाइड है बिल्कुल। हाँ पूरे सेटिस्फाइड से, और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं सर से जाके अच्छा। केबिल में अच्छा से बता देते हैं, एनसीईआरटी वगैरह से सबसे क्वेश्चन बनता है। असाइनमेंट भी देते हैं सर, उससे भी बनता है उनके पैकेज से। अच्छा क्वेश्चन दम बनते हैं और पूरा क्लियर कर देते हैं। अच्छा पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देते। क्लियर है कंसेप्ट, पूरा समझ में आ जाता। यस सर, के बारे में ऑनलाइन कोरा वगैरह पे देख करके रिव्यू अच्छा, लिया था। अच्छा कोरा पे कैसा रिव्यू था सर? सर का रिव्यू काफ़ी अच्छा था। अच्छा आपने जैसा देखा वहाँ पे वैसा माहौल यहाँ पे मिल रहा? हाँ काफ़ी अच्छा माहौल है सर अच्छा, के साथ मज़ा आता है पढ़ने में। अच्छा मज़ा आता है पढ़ने में। कितना समझ में आ रहा सर का जो टीचिंग स्टाइल है, कितना अप्लाई करते हैं सर के टीचिंग स्टाइल? सर का टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। अभी हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं A to Z केमिस्ट्री क्लासेज, और आज यहाँ पे जानेंगे बच्चे से किस तरह का पढ़ाई चल रहा है और बच्चे यहाँ से कितना सेटिस्फाइड है। और यदि यहाँ के लोकेशन की बात करें तो आपको लोकेशन बता देते हैं, AN कॉलेज के जस्ट अपोजिट साइड विवेकानंद मार्ग में आप आइएगा। पहला यदि राइट लेते हैं तो आपको मिल जाएगा ये बिल्डिंग, और A to Z केमिस्ट्री क्लासेज यहीं पर चलता है ग्राउंड फ्लोर पर, और इसी क्लास में ऋषि सर पढ़ाते हैं। और आज जानेंगे यहाँ पे बच्चे कितने सेटिस्फाइड है और कब से पढ़ रहे हैं, और ऋषि सर के बारे में कैसे बच्चे जाने थे फर्स्ट टाइम, और जैसा सुना था ऋषि सर के बारे में वैसा यहाँ पे माहौल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारे कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, बने रहे। यदि आप भी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं यदि बेस्ट टीचर से, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको समझ में आया, और बच्चे से आप जानेंगे तो आप भी सेटिस्फाइड होंगे, तो आप यहां आके केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, हम चलते हैं यहां के बच्चे से आज बात करते हैं। क्या नाम हुआ? ऋषभ सिंह। यहां पे कब से पढ़ रहे हो? स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। कैसा पढ़ाई हो रहा है यहां पे? अच्छा हो रहा है। किस क्लास में हो अभी? 12th में। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा है, तभी तो है यहां पे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, तभी तो यहां पे है। और बच्चे जो नहीं जानते इनके बारे में उसको आप रिकमेंड करेंगे? ज़रूर करेंगे। अच्छा तो यहाँ पर सिलेबस किस तरह, बोर्ड बेसिस पर कराया जाता है या ITJEE लेवल पर कराया? जेई के जेई पे होता है, पर हम बोर्ड के स्टूडेंट हैं। अच्छा तो हम अपना बोर्ड का कोऑपरेट करते हैं। अच्छा तो ओवरऑल आप सेटिस्फाइड है? हाँ ऋषि सर बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं। अच्छा पढ़ाते भी अच्छा? पढ़ाते भी अच्छा, मोटिवेशन भी बहुत अच्छा देते हैं। अच्छा सर के यहाँ जो टेस्ट पेपर होता है उस किस लेवल का होता है? टेस्ट जो सर पढ़ाए हैं वो तो वो रहता है बिल्कुल, और उससे आउट ऑफ सिलेबस कुछ रहेगा नहीं। और जो अच्छा। सवाल रहेगा अगर आप क्लास में ध्यान दीजिएगा अच्छा, तो आप सवाल को अटेम्प्ट कर पाइएगा अच्छे से। तो टेस्ट सर कब कब कराते हैं? वीकली हो जाता है, एक दो वीक के बाद टेस्ट हो जाता है यहाँ पे। अच्छा। और कम नंबर आने पे सर डिमोटिवेट या मजाक नहीं उड़ाते हैं। अच्छा मोटिवेशन ही देते हैं। अच्छा कितना सेटिस्फाइड है यहाँ के टेस्ट से आप? अच्छा सेटिस्फाइड है हम। अच्छा हाँ तो टेस्ट का जो पैटर्न रहता है वो सही रहता है? हाँ पैटर्न सही रहता है। किस पैटर्न? बोर्ड बेसिस पे होता है, नीट बेसिस? नीट वो आप जैसे यहाँ पे दरअसल ज़्यादा बच्चे JEE वाले हैं। अच्छा तो उसी बेसिस पर रहता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। अच्छा बट अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा जो बच्चे आने वाले यहाँ पर, जो आना सोच रहे हैं, वो आके कितना हैप्पी रहने वाले? वो सेटिस्फाइड रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे। तो आना चाहिए, गवर्नमेंट अच्छा है क्लास का। अच्छा आपका क्या नाम हुआ? राजा कुमार। आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? हम तो मतलब 3 महीना हो चुका। अच्छा अभी ऊपर पढ़ रहे थे तो वहाँ से सर को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो छुड़वा दिए। अच्छा। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए तो अच्छा से समझ में आता है, समझाते हैं पूरा क्लियर करते अच्छा। हैं और क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ पूरे सेटिस्फाइड से, और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं सर से जाके अच्छा। केबिल में अच्छा से बता देते हैं, NCERT वगैरह से सबसे क्वेश्चन बनता है। असाइनमेंट भी देते हैं सर, उससे भी बनता है उनके पैकेज से। अच्छा क्वेश्चन दम बनते हैं और पूरा क्लियर कर देते हैं। अच्छा पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। क्लियर है कंसेप्ट, पूरा समझ में आ जाता है। यस अभी केमिकल काइनेटिक्स वगैरह सब पढ़ा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? लेखिका। अच्छा आप कब से पढ़ रहे हैं ऋषि सर के पास? अभी 1 महीने से ज्वाइन किया है। अच्छा, सर के बारे में कैसे आप जानते हैं? सर के बारे में ऑनलाइन कोरा वगैरह पे देख करके रिव्यू अच्छा, लिया था। अच्छा कोरा पे कैसा रिव्यू था सर? सर का रिव्यू काफ़ी अच्छा था। अच्छा आपने जैसा देखा वहाँ पे वैसा माहौल यहाँ पे मिल रहा? हाँ काफ़ी अच्छा माहौल है सर अच्छा, के साथ मज़ा आता है पढ़ने में। अच्छा मज़ा आता है पढ़ने में। अभी तक कौन सा चैप्टर यहाँ पे हो गया? अभी तो चल ही रहा है 1st chapter। अच्छा कितना समझ में आ रहा सर का जो टीचिंग स्टाइल है, कितना अप्लाई करते हैं सर के टीचिंग स्टाइल? सर का टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, मज़ा आता है पढ़ने में। सर जो भी पढ़ाते हैं समझ में आता है। अच्छा अभी तक कोई टेस्ट दिए हैं यहाँ का? नहीं अभी टेस्ट नहीं होती है। अच्छा अभी तक का जो आपका जर्नी रहा 1 मंथ का, कैसा रहा, क्या बताना चाहेंगे 1 मंथ के अनुभव में आप?
एक मंथ में मुझे सर के साथ काफ़ी अच्छा है, सर काफ़ी कनेक्ट होकर के पढ़ाते हैं एंड बहुत सही पढ़ाते हैं। अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या बताना चाहेंगे जिनको पता नहीं है टू जेड केमिस्ट्री के बारे में, आप क्या बताएंगे अपने? जिसको केमिस्ट्री सीखने वो सर के पास ही आए। अच्छा। सर बेस्ट केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचिंग स्टाइल जो वो कैसा? बेस्ट है। अभी तो आप टेस्ट नहीं दिए? नहीं। अच्छा, तो टेस्ट का लेवल भी अभी आपको पता नहीं होगा। तो जैसे कि आपने जो सोचा था यहाँ पर आने के बाद किस तरह का सर मिलेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसा यहाँ पर अनुभव रहा? सर बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, सारे कुछ समझ में आ जाते हैं सर? हाँ, जो पता सर जो बताते हैं सब समझ में आते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है होमवर्क करके आप लोग नहीं आते होंगे? नहीं नहीं, अभी तक तो जितना होमवर्क सर दिया सब करके आते हैं। अच्छा, कभी डांट उट सुनने के लिए मिला सर से? नहीं नहीं। अच्छा, होमवर्क करके आते हैं? अच्छा, नहीं होता है, वो सर से पूछते हैं। अच्छा, सर बताते हैं? और सर बहुत फ्रेंडली होकर बता भी देते हैं बिना कुछ बोले। अच्छा, कभी गुस्सा नहीं करते सर? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, जो पढ़ाते हैं आप जाते होंगे फिर अपने घर पे बुक देखते होंगे या एनसीईआरटी का, तो कितना वो समझ में आता है? हाँ सर, वैसे ही पढ़ाते हैं, बुक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। अच्छा, देखने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं यहाँ जाते होंगे आप लोग घर पे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है? क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सारा सॉल्व हो जाता है और जो नहीं होता है वो हम लोग सर से पूछते हैं, सर बताते हैं। अच्छा, सर बताते हैं, सर डांटते भी हैं कभी? कभी नहीं। अच्छा, तो आप लोग सर का बिहेवियर आप लोग के साथ अच्छा रहता है? बहुत अच्छा। अच्छा, तो जो अनअवेयर है जिसको पता नहीं है टू जेड केमिस्ट्री के बारे में, आप लोग उनको क्या बताएं? वो लोग यहीं आके केमिस्ट्री सीखें, यहीं केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, विजिट तो करना चाहिए। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, हाँ। आप कब से? आप भी एक मंथ से? हाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर, जो सर का टीचिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा है। अच्छा, तो मतलब सर जो पढ़ाते हैं बेसिकली जो टॉपिक डिलीवर करते हैं अपने क्लास में उसमें सारे कुछ समझ में आते हैं? बिल्कुल। जैसे कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आया सर से अगले दिन डिस्कशन कर लेते हैं, या नहीं समझ आया तो उसके बाद तुरंत ऑफिस में जाके। अच्छा, ऑफिस में जाते हैं तो ऐसा बोलते हुए तुम लोग डेली आ जाते हो पूछने? कभी नहीं। बहुत अच्छे से बता भी देते, कभी एक भी बार ऐसा नहीं बोले। अच्छा, तो आप लोग जैसे घर पे जाते होंगे अलग भी पब्लिकेशन का बुक सॉल्व करते होंगे, उसमें कहीं ना कहीं डाउट आ जाता होगा, अदर पब्लिकेशन का बुक लेके कभी सर के पास आए? तो क्या सर का कैसा रिस्पॉन्स रहा? बता देते हैं सर। बता देते हैं, मतलब सर अपने तरफ से 100% देते हैं? हाँ। बिल्कुल कह सकते हैं? हाँ। अच्छा, तो जो बच्चे यहाँ आने वाले हैं वो आके कितने सेटिस्फाइड रहने वाले? 100%। अच्छा, जैसे आप लोग सेटिस्फाइड हैं उस तरह से वो लोग भी रहे। अभी देखिए हमारे साथ जो ए टू जेड केमिस्ट्री के बच्चियाँ लोग थी और बच्चे लोग थे, बात किए सारे से, ओवरऑल सारे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे सेटिस्फाइड हैं। यदि आप भी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और पटना में रह रहे हैं तो आप आ सकते हैं ए टू जेड केमिस्ट्री। आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लोकेशन मिल जाएगा ए टू जेड केमिस्ट्री क्लासेज का, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले भी मैं कंकड़बाग वाले सेंटर का मैं कवर किया था, वहाँ पर भी बच्चे बहुत सेटिस्फाइड थे ए टू जेड केमिस्ट्री क्लासेज से। तो आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि आप ए टू जेड केमिस्ट्री में पहले से पढ़ रहे हैं, यदि आपसे हम बात नहीं किए तो आप कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें आपको यहाँ पे कैसा माहौल मिल रहा है, आप कितने सेटिस्फाइड हैं यहाँ से।